Ain't nobody really fucking with me like they always saying. All these people hit me up, but I know that they be fake. Gonna grab the lawnmower, finally cut off all you. Hey, what's up, guys? Rahul Sharma, and you are watching Gaming with Osmim YouTube channel. So, guys, I'm sorry, दो दिन मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि guys मैं बहुत बिजी था. एंड कल मैं डालने वाला तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कट लग गया था, सो उसको रिपेयर करा. फिर मैं रात को ही गेम खेला हूँ एंड रात को भी एक दो गेम खेला हूँ, सो उसका गेम प्ले मैं डाल रहा हूँ. ये कुछ ज़्यादा ओपी गेम प्ले नहीं है, बट जस्ट फनी सा गेम प्ले, क्योंकि इसमें अथीना जो सिरेटन है और मॉक गेमिंग आए थे, बट वो फेक वाले मॉक गेमिंग एंड सिरेटन थे. सो इतना ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, बट मतलब अल्ट्रा नूब थे भाई और कैंपिंग कर रहे थे गलत वाले, और उन पर स्किन्स वगैरह भी थी, तो मैं उनका गेम प्ले दिखा दूंगा. और उन्होंने हमारे दोनों को मार भी दिया कैंपिंग करके, मतलब मुझे भी ऑलमोस्ट मार दिया था, बट थोड़ा सा मतलब गलत हो गया. तो यहाँ पे एक बंदा ऐसे ही आता और मैं जैसे ही गन पिक करता हूँ उसे उठाने के लिए गेम पे, बट मेरे सामने आ जाता है एंड इसको मैं मार देता. तो इधर एक और बंदा होता है इसका, तो उसको मैं कन्फर्म करते इसको कन्फर्म करने लगता हूँ, बट कन्फर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि एक और बंदा आ जाता है, बट उसको साइल पीछे से मार देता है एंड ऑलमोस्ट मैं 90 HP कर देता हूँ उसको. मैं 10 HP छोड़ता हूँ, 90 HP उसको खा जाता हूँ मैं. बट गाइज यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वेक्टर भी इतने दूर मतलब अच्छी वायर देती है, बट इस बंदे को हमने नॉक कर दिया है. आज के बाद मैं वेक्टर लॉन्ग रेंज मतलब मीडियम रेंज में कर चलाना स्टार्ट कर दूंगा. तो यहाँ पे एक और बंदा जो होता है उसको मारते हैं एंड गाइज इसके बाद हम डायरेक्ट पैराडाइज जाते हैं एंड वहाँ मिलती है अपने को अल्ट्रा लेवल कैंपिंग. सो और वो भी प्रोफेशनल यूट्यूबर्स के क्लोन जो होते हैं फेक वाले, जैसे मॉडल के हजारों बने हैं वैसे ही अब मॉडल के तो बन चुके हैं, तो भाई इनके अथीना गेमिंग एंड मॉक के बनना चाहिए. तो मॉक और अथीना गेमिंग दिख जाते हैं देखो. तो स्टार लॉर्ड एक को नॉक करता है अथीना गेमिंग को, जो सिरेटन जिसका नाम होता है, बट ये रियल नहीं होता गाइस, फेक होता है. सो फिर से बता रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि भाई रियल बंदे मार दिए ये वो ऐसा वैसा कुछ फालतू कमेंट करना. सो ये फेक हैं सारे. सो यहाँ पे मैं देखता हूँ, मुझे सामने बंदे दिखते हैं, मैं यहाँ पे मारता हूँ. मैं बहुत स्लो खेलता था कल, तुम दो दिनों बाद खेल रहा था एंड उसके बाद मैं नेट कुक करता हूँ यहाँ पे एंड नेट ट्राई करता हूँ, बट नेट से किसी को मतलब डैमेज तो सबको होता होगा क्योंकि सेंटर में नेट गया था, बट मरता कोई भी नहीं है. तो यहाँ पे हम पुश करते हैं और अपने बंदे को बुलाते हैं कि भाई आ जाओ. सो गाइस अभी दिक्कत क्या आई, अभी मैंने M4 निकाली थी ना, अभी M4 इसमें एक्सटेंडेड मैग नहीं था, तो मैं जैसे ही घुसा मुझे एक दोनों दिखा और दूसरा बंदा नॉक करा और तीसरा बंदा पीछे था, तो इस पर मेरा मैग खत्म हो गया, नहीं तो ये भी खत्म था, हमारा कोई बंदा नहीं मरता. तो जैसे ही हमारा मेरा दूसरा बंदा घुसा था, मैंने सोचा कि भाई उसने ये वाले बंदे को नॉक कर दिया, बट ये वाला बंदा अभी भी जिंदा होता है, और मैं तीन बंदे नॉक कर देता हूँ यहाँ पे, बट चौथा बंदा जिसको मैं पहले भी मतलब 40 HP छोड़ा होता है वो स्टिल यहीं पे खड़ा रहता है. तो हम अपने फोर्थ मेंबर को बुलाते हैं कि भाई तू आजा फटाफट और मार दे. दो की तो मतलब इनके लग चुकी थी कैंपर से जो कि मॉक गेमिंग एंड अथीना गेमिंग, और उसको भी वहाँ से गोलियाँ बढ़ रही थी, बट somehow we still managed to kill him. Sahil managed to kill them all. और दो जो भी एक दो बंदे बचे होते हैं, अथीना तो अभी मर गया होता है जिसको उन्होंने मारा होता है, सो मुझे किल मिल जाते हैं एंड साहिल सबको मार देता है एंड साहिल मुझे रिवाइव करता है. और उसके बाद एक 1v4 प्यारा सा क्लच तुम्हें देखने को मिल जाएगा, मतलब ओपी नहीं था बट ऐसे मतलब अगर ऐसे तुम खुले में भाई ये लगाते जाओगे तो भाई फिर कैसे बचोगे. मैं तो उसको प्यार करके बेट करके मारा, मतलब बढ़िया तरीके से मारूंगा भाई एकदम मक्खन मक्खन लगा के. सो इसका दूसरा बंदा ही मुझे दिख गया था, दूसरा बंदा पत्थर के पास था, तो मैं साहिल के वेट करता हूँ, मैं निकल पड़ता हूँ, भाई साहिल पीछे कवर देना एंड इसको मारना है अभी. सो गाइज इसको भी हम मार देते हैं एंड इनके दो बंदे और होते हैं यहाँ पे, बट अथीना गेमिंग वाला इधर गाइज मेरी गेम लैग कर जाती है, बट थोड़ी सी लैग होती है और उस टाइम शॉट मतलब जो भी गोली होती है वो बंदे के हेड पे होती है. सो गाइज उसी में मर चुका होता है वो. सो गाइज इधर भी दो बंदे होते हैं, सो मुझे दो जगह से फायर आती है, यहाँ से दो जगह से फायर आते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि भाई लेफ्ट वाला बंदा राइट चला गया थोड़ा, तो वहाँ से फायर करता हूँ, मैं बाहर निकल जाता हूँ. ठीक है, सो मैं एनिमी हेड भी इधर करता हूँ, बट बहुत मतलब बेवकूफ़ वाला काम कर देता हूँ मैं, बट अभी मैं समहाउ सेफ बच जाता हूँ क्योंकि इतने भी ज़्यादा प्रो बंदे नहीं थे, नॉर्मल बंदे थे, नूब थे हमारे, अच्छा नहीं थे. सो इनका 1v4 कर देता हूँ मैं. तो एक बंदा मुझे राइट में दिखता है, राइट वाले को मारता हूँ और इन्हें 6-6 लगा के, और इसके बाद इसको जाके मारता हूँ. तो गाइस कुछ मतलब ज़्यादा ओपी वाली गेम प्ले नहीं है ये, कि आप सोचो कि भाई बहुत ही ओपी गेम प्ले रहा होगा, बट मैंने डायरेक्ट मतलब ऐसे डाल दिया, मैं तुम्हारे से बात भी कर लूँगा एंड सॉरी वरी बोल दूंगा आप लोगों को कि भाई मैं वीडियो नहीं डाल पाया, बट अभी मैं कंटिन्यूस वीडियो डालूंगा एंड जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो मुझे बताओ एंड गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड जो भी दिखता है भाई वो शेयर कर दिया करो. सो गाइस यहाँ पे भी मुझे एक बंदा दिखता है ऊपर, क्या था मैं ड्रॉप रूटने एंड इसको नॉक
एंड फिनिश भी साथ साथ कर देता हूँ, क्योंकि भाई आप लोगों को चाहिए होती है किल और साथ में चाहिए होता है भाई डायमंड्स। बट अभी ये नॉक फिनिश एकदम नहीं देना होता, थोड़ा देख के 5-10 सेकंड बाद फिनिश कर दिया करो बंदे, कोई दिक्कत नहीं रहती। सो गाइज, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मतलब जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स की, हिलते रहना हर टाइम, हिलते रहना, आई एम सॉरी, हिलते रहना चाहिए हर टाइम। तो ये मतलब उठक बैठक कर रहा था, यहाँ पे खड़ा हो रहा था, बैठ रहा था, उस चक्कर में स्नाइपर शॉट से बच गया। सो गाइज, यहाँ पे साहिल नॉक हो जाता है एक बंदे को, नॉक करके जैसे मैं जाता हूँ वैसे मुझे एक बंदा स्पॉट होता है, बट वो इसके पीछे रहता है और दूसरा बंदा मुझे मार जाता है यहाँ से। सो गाइज, यही था गेम प्ले आज का। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, पीस आउट, बाय बाय, टेक केयर।